गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये देख करके समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए, मैं इसे कैसे प्रिपेयर करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, तो आज मैं यही सब प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। सभी का तरीका नया नया होता है और सभी की खाने का टेस्ट भी बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, हल्दी ले लिया है, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ले लिया था। और यहाँ पर मेरी कढ़ी चावल बन रही है, तो ये मेरी कढ़ी, आज हस्बैंड का फरमाइश था तो मैंने ये कढ़ी चावल बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बेसन ऐड कर दिया है और बस मुझे इसकी जो बैटर जो है वो मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा डार्क हो गई है, यहाँ पर थोड़ा पानी मिक्स कर लेती हूँ और हम यहाँ पर इसका बैटर कैसे हम तैयार करेंगे वो भी मैं दिखाऊँगी। और इसे सिर्फ मैं शाम के लिए मैं इसे ऐसा रख दूंगी इसको बैटर तैयार करके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी और ऐड कर लेती हूँ फिलहाल, और इसे हम अच्छे से फिर से इसे फेंट लेंगे अच्छे से, ताकि ये इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे, पूरे अच्छे से ये फेटा जाए। और देखिए, ये जो है यहाँ पर का जो ये बैटर जो है ये इस तरीके से ही होना चाहिए। ये देखिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, तो ये इस तरीके से ही इसका बैटर होगा। तो बहुत ही सॉफ्टी ढोकला जो बनने वाली है वो हमारी बहुत ही सॉफ्टी स्पॉन्जी सा ढोकला तैयार होने वाला है। तो इसे मैं अभी, दोपहर का टाइम है और मैं अभी लंच रेडी कर रही हूँ, तो ये शाम के लिए, शाम तक से ये बैटर अभी प्रिपेयर करके रखना होगा मुझे, ताकि मैं 6 से 7 बजे इसे फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी ये ढक करके और अच्छे से इसे हम रख देंगे साइड पे। तो चलिए, मैं ये जो कढ़ी है हमारी वो अभी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मेरा जो ढोकले का घोल है वो भी रेडी हो चुका है। तो इसे हम अब इसे ढक कर साइड करके रख देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने घी और चावल और ये बेबी के लिए दाल निकाल दिया है। और देखते हैं, वैसे तो अधिकतर खिचड़ी खाती है, पर आज देखते हैं कि ये खाती है कि नहीं खाती है। तो चलिए, मैं इसे खिला के भी देख लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमारी कढ़ी चावल, बहुत ही टेस्टी यमी। आज मुझे तो लग रहा है बहुत ही यमी बनने वाली है। अब तो हस्बैंड आएंगे तो ही पता चल पाएगा कैसा लगा, तो फिर मैं उनसे क्वेश्चन करूँगी कैसा बना, तो उन्हीं से पता चल पाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये आ गई है, ये सावी आ गई है, सावी खाना खाई है बेटा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं, आज हस्बैंड ने बोले थे कि ढोकला बनाना है और आज मुझे शाम को ढोकला खाना है, तो आज मैंने ये ढोकला मेकर नहीं है मेरे पास, बट मैंने इस पे कढ़ाई पे, इसी पे मैं सब्जी बनाती हूँ। मेरी जितनी भी रेसिपी देखा होगा तो ये नॉन स्टिक जो है कढ़ाई, इसी पे मैं सब्जियां बनाती हूँ और हर रेसिपी इसी पे अधिकतर मैं बताना पसंद करती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इस पे अभी पानी डाल दिया मेरे पास, क्योंकि ढोकला मेकर नहीं है। तो अगर आपके पास भी ढोकला मेकर ना हो तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स माइंड मत करिएगा, मेरी वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी, एक्चुअली पता नहीं आज बात करते ही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा मुंह पे मेरे छाले से थोड़ा सा कुछ हो गया है तो थोड़ा टफ जा रहा है मुझे बात करने के लिए। बट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने ऐसे किया हुआ है और एक यहाँ पर मैंने इस पे मैंने तेल लगा दिया है, और तेल देखिए तेल दिख रहा होगा आपको, तो तेल फैला करके मैंने लगा दिया हुआ है और ये जस्ट इसके यहाँ पर ये इस पे आ जाता है आराम से। तो मैंने इस हिसाब से ही इसी के लिए मैंने खास करके ये जो है ये प्लेट मैंने लिया था, और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से इसके जो भाप से ये आसानी से निकल भी जाता है पूरा अच्छे से, मतलब यहाँ से जो हवा है ना उसका निकल जाता है, ये जो होल दिख रहा होगा तो यहाँ से मेरी आसानी से ढोकला बन जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ढोकला मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे स्पंजी ढोकला बनते हैं। तो मैंने सारा बैटर तैयार कर लिया है, एक मिनट मेरी बेबी को थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ। हाँ बेटा चलो चलो फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप ये देख लीजिए, मैंने ये इनो मिक्स कर रही हूँ। तो बैटर तैयार किया था, यहाँ पर बबलिंग आ रही है जो कि अभी ना हमारा ये जो ढोकला बनने है ना वो बहुत ही स्पॉन्जी सा बहुत ही सॉफ्ट सा बनने वाला है। तो इसे मैं फटाक से ज्यादा देर करते ना हुए तो ये हमने सारा का सारा इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर लगभग मेरे ये जो ढोकले हैं बन करके तैयार हो चुका है, तो इसे हम पहले चक्कू की सहायता से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चेक की हूँ अंदर तक इसे देखा है, तो यहाँ पर जब चिपका नहीं है मतलब कि आपका ये ढोकला रेडी है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसे मैं क्या करूँगी गैस अब बंद कर दूंगी, और गैस बंद करने के बाद मैं इसे अब अलग से निकाल दूंगी, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे मैं कट करूँगी और इसे मैं छौंक के लिए डालने वाली हूँ। तो देखिए मैंने छौंक के लिए यहाँ पर तड़का जो डालूंगी हींग सरसों जीरा थोड़ी सी कड़ी पत्ती और तीन हरी मिर्च ले लिया है, और इसे मैं पहले कट कर लेती हूँ। और इस तरीके से आपको कट कर लेनी है और बहुत ही आसानी से कट हो जाती है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। तो मैं एक पीस निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना स्पॉन्जी है, बहुत ही फाइन बना हुआ है। ऐसा बैटर आप बनाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही बनने वाली है स्पॉन्जी सा। तो मैं ये जो तीन मिर्च है हरी मिर्च इसे मैं पहले फ्राई करके हल्का सा फ्राई करूंगी, ज़्यादा लाल नहीं होने दूंगी, और इसे मैं फ्राई करने के बाद अलग से निकाल दूंगी। और निकालने के बाद फिर मैं इस पर जो जीरा सरसों और जो हींग है उसे मैं ऐड कर लूँगी, और उसी के साथ मैं जो ढोकला बना करके रेडी किया हुआ है उसे मैं हल्का सा इसके साथ फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं प्लेट पे डाल लूँगी, इसे अलग से निकाल लेती हूँ ताकि मैं इसे अलग से चीनी, क्योंकि इसे मैंने जो फ्राई किया है अब इसे मैं चीनी का जो घोल किया हुआ है गरम गरम इसे अच्छे से डुबा लूँगी ताकि अच्छे से भीग जाए, और जो हमें खाने में जो यमी सा टेस्टी सा जो स्वाद आने वाला है बहुत ही यमी टेस्टी तीखी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो देखिए ये इस तरीके से बन करके रेडी हुआ है, तो देख ही सकते हैं कि कितनी लाजवाब बहुत ही टेस्टी यमी सा बना हुआ है। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स मैंने जो चीनी का घोल डाला है ना उससे क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही फ्राई करके खाएंगे ना तो उससे क्या होता है कि गले पे फंसता है, थोड़ा सा सूखा सूखा सा जो रहता है ना वो गले में फंसते रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप चीनी का घोल जो है या गुड़ का घोल कर सकते हैं अगर आप गुड़ खाना पसंद करते होंगे तो, फिर इसके बाद इस पर ढोकले पर डाल करके उसे खाएंगे तो उससे क्या होगा कि गले से नीचे बहुत जल्दी आसानी से उतरता है, फंसता भी नहीं है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी टेस्टी मीठी सी टेस्ट आ जाती है, थोड़ी सी तीखी जो हमने मिर्च फ्राई किया हुआ है उस बहुत ही टेस्टी यमी सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ना मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और ये जस्ट मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, आज क्लीनिंग कर लिया है क्योंकि आज संडे था,
और मैंने नाश्ता वगैरह इधर रेडी करके रखा हुआ है, जब तक से मैं घर का क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज का यही मेरा व्लॉग था फ्रेंड्स, और आज जो भी, अगर आज संडे को आज जो भी होता है वो मैं बताऊँगी, क्योंकि सैटरडे और संडे से लेकर के मेरा ये मॉर्निंग का व्लॉग था। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाने वाले हैं या हम क्या करने वाले हैं। तो बहुत ही न्यू इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।